हेलो एवरीवन, मैं बबीता आपके यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग विविधता में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप सब कोई अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सो फ्रेंड्स, ये है शाम का समय और मैंने आज अपना ब्लॉग शाम से शुरू किया है सारा। तो ये 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ यहाँ पे नान का आटा लगाने, क्योंकि नान का आटा हो या भटूरे का आटा हो, उसको 4-5 घंटे पहले लगा दो तो अच्छे से फूलते हैं। तो सबको खाना पीना खिला के बर्तन तो साफ क्या भी मिले। चलो ये बर्तन मैदा को मैं लगा के रख देती हूँ, नहीं तो एक बार फिर बैठ जाओ ना तो फिर बोरिंग सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी मैदा लिया है, आप अपने हिसाब से ले लेना जितना आपका फैमिली है। और उसको तो मैंने छान लिया था, फिर उसमें दिया है इनो नमक और रिफाइंड तेल। और वहाँ पर मैंने गुनगुना दूध लिया है, उसमें दे रही है चीनी ताकि चीनी हमारी जो घुल जाए। और फिर मैं इसमें दे रही हूँ दही, और इसी से हम ये मतलब नान का आटा का डो लगाएंगे मतलब। और भटूरे में बस दही जाता है, इसमें ये कि दूध जाता है और चीनी जाता है नहीं तो दोनों का सब एक ही है। भटूरे का भी चीज़ एक मैदे में वही जाता है, चीनी नमक और रिफाइंड तेल और इनो और बस दही। और इसमें है कि आप थोड़ा सा दूध दो और चीनी देना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, मैं इसको धीरे धीरे से गूंथ लूँगी, नहीं तो गीला होने का भी डर रहता है। और मैदा में ना वैसे भी दूध या पानी ना ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा देर में थोड़ा सा में ही कैसा हो जाता है, बहुत मुश्किल पड़ती है इसको सानने में। तो फ्रेंड्स देखें, मेरा नान का जो आटा है अच्छे से मैं इसको मुक्के मार मार के इसको अच्छे से लगा के रख दूँगी। और इसको रेस्ट लेने देंगे कम से कम 4-5 घंटे। 4 जैसे बज रहा है, 4 तो नहीं बजा था, 4:15 बज रहा है। तो कम से कम 8:30 बजे मैं बनाऊँगी, तब तक ही अच्छे से फूल जाएगी। और इन्होंने मेरा ना कोको कोला वाला मिला, प्लेन वाला मिला ही नहीं, इसलिए देखो कैसा मेरा ना लाल लाल लग रहा है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लेकिन कैसा लाल लाल सा हो गया है मेरा ये। चलो इसको आप अच्छे से सान के रख देते हैं और वो पूरा करने देते हैं रेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा मैं चली गई थी मोबाइल वाइल चेक किया, थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी। और शाम का बज रहा है यहाँ पे 5, और देखो कितना बढ़िया मौसम हुआ है ना, लग रहा कि बारिश आएगा, पर बारिश तो नहीं हुई थी लेकिन मौसम बस सुहाना हो गया था। फिर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैं यहाँ पे आई हूँ कपड़े लेने। और इसके पापा गए हैं गुड्डू को लाने, नहीं तो मुझे इतना समय गुड्डू को लाना पड़ता है, पर उनकी छुट्टी थी तो वही चले गए थे लाने। और देखो कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है कि उधर जाके पहाड़ है, पर कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिर्फ पानी ही पानी है, मतलब नदी ही नदी है। और इसके बड़ी मम्मी का किचन का काम ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो सब मिस्त्री ये सब सामान ऊपर ठीक कर रहे हैं, अच्छा तरीका लगाए हैं। देखो नीचे से डायरेक्टली ऊपर कर दे रहे हैं, और ऊपर नीचे नहीं करना पड़ रहा है, तो सब सामान इन लोग यहाँ पर मिलवा रहे हैं। तो उन्हें चलो थोड़ा सा ये भी सूट कर लेते हैं। और बगल में मेरी काकी सास का घर है, तीनों का घर एकदम सटा हुआ है। फिर आके मैंने कपड़े वपड़े तय किया, उसके बाद करने लगे यहाँ पे शाम का पूजा। तो बहुत जल्दी शाम हो जाता है, पहले जैसे 6:30 बजे शाम होता था, अब तो 5:30 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जा रहा है। आप लोग के यहाँ पे पता नहीं कितना बजे होता होगा, गुजरात में तो बहुत लेट होता है क्योंकि पिंकी मेरी बहन रहती है तो मुझे पता है। और लेकिन हमारे यहाँ 5:30 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है। और यहाँ पे ना जैसे अजान देते हैं ना, तो अजान देने से हम लोग का पता चल जाता है कि शाम हो गया, तो हम लोग भी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ पूजा कर लीजिए। और पूजा उजा करके मैं बनाने जाऊँगी चाय, क्योंकि शाम होने से फिर चाय की तलब लगी जाती है, और पूजा करने से तो और भी मन करता है कि चलो अब चाय वाय पिया जाए। तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ शाम की चाय, आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। और सब चाय के साथ है नमकीन बिस्किट, बच्चों के लिए दूध लगा मैंने चढ़ा कर रखा है। मैं बच्चों को शाम को ही दूध दे देती हूँ, उन लोग रात को पीना नहीं चाहते हैं, इसलिए शाम को फिर मैं क्या दूँ बोल के मैं शाम इससे अच्छा दूध ही दे दो, दूध दे दो, बिस्किट दे दो। उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे पढ़ाने गुड्डू को, पढ़ाने क्या मैथ्स वगैरह नित्यम देख लेता है या तो उसके पापा असाइनमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं आता। और जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह ये सब रहता है तो मैं कराने लगती हूँ। और उसके बाद ना इसी समय इतना ज़ोरदार यहाँ पर भूकंप आया था ना कल, पूछो मत। फिर हम ये ड्राइंग बनाते बनाते थोड़ा सा बाहर चले गए थे, फिर ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, गुल्लू ने उसमें कलर भरा है। तो बताइए कैसा ड्रॉ हुआ है, कैसा कलर हुआ है, आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताना। और बस थोड़ा सा फिर बैठी बैठी इधर उधर किया, कुछ कुछ काम किया। फिर यहाँ पे है रात का समय, तो मैं अपने लगा बॉयल किया है आलू, सुबह आलू पराठा बनाने के लिए, क्योंकि अब इनका सुबह सुबह 6:30 बजे स्कूल जाना पड़ेगा, मतलब घर से निकलना पड़ेगा। तो मैं बोली चलो आलू बॉईल कर लेती हूँ, पराठे बना के रख देती हूँ, क्योंकि इतना सुबह ना पॉसिबल नहीं है कुछ बना के देना, और साथ में टिफ़िन भी देना। तो ये मैं आलू बॉईल कर लेती हूँ, तो इसमें से 2 पराठे बना के इनके लिए रख दूँगी ताकि वो सुबह खा के चले जाए। और सब्जियाँ वगैरह भी कटिंग करके रख लिया है, तो सुबह जैसे ये सारी सब्जियाँ दे के इनके लिए बना दूँगी मैं चावल।
ताकि ये चावल और कुछ भी एक सब्जी लेके चले जाएं टिफिन में, क्योंकि आने में भी इनका भी बहुत टाइम होगा, 4:15 बज जाता है, ताकि फिर खाना भी नहीं चाहते हैं उतना शाम को, क्योंकि अब दिन छोटा हो गया है ना, धीरे धीरे और दिन छोटा होगा। और मैं यहाँ बना रही हूँ नान, और नान मुझसे बेला नहीं जाता है, जैसे ओवल शेप में बनता है ना नान, तो मुझसे वो ऐसा शेप नहीं होता, मैं जैसा तैसा शेप दे देती हूँ, बस स्वाद होता है नान की तरह, बस यही है, लेकिन मुझसे शेप नहीं होता, कभी लंबा हो जाता है, कभी गोल हो जाता है। तो नान को मैं बेल बेल के पानी चिपका दे रही हूँ, और इसके ऊपर ना फिर कितने जन काली जीरा होता है ना वो, फिर उसके बाद अदरक कटिंग करके, धनिया पत्ता कटिंग करके, ये सब भी देते हैं, तो इन लोगों को कुछ पसंद नहीं, लोगों को सिर्फ बटर लगा के पसंद है, तो मैं प्लेन ही नान बनाती हूँ। और बहुत फूली फूली या सॉफ्ट सॉफ्ट नान बनी थी ये, लेके मैंने तीसरे बार नान बनाया है, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे फूल रहा है ना नान हमारा। इससे पहले नीतम ने 2 बार रेस्टोरेंट से नान मंगाया था ऑर्डर करके, एक नान आया था 60 रुपीज़ करके ना कैसे, लेकिन एकदम कुछ नहीं, ना बटर पता चल रहा था ना सॉफ्टनेस, एकदम कैसा हड्डी लकड़ी की तरह टाइट टाइट। तो इससे अच्छा तो मेरा ही नान होता है, सॉफ्ट भी हुआ था, ठंडी हो जाने के बाद भी सॉफ्ट हुई थी, लेकिन सच मानिए फिर मैं खुद खाई हूँ बाहर का नान, ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, एक बार रेस्टोरेंट में भी जाके खा के आई हूँ, चाहे फिर घर में भी 2-3 बार मंगाया है मैंने, अब मैं दोस्त से 3 बार या 3री बार मैंने खुद से बना लिया नान, और सच मानिए बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है नान, रोटियाँ चाहे कुछ भी हो ना सॉफ्ट बनने से ही अच्छा लगता है। तो मैं बनाती जा रही हूँ, सबको खिलाती भी जा रही हूँ, नीतम को, गुड्डू को, और बेलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे पलट पलट के इसको सेकना पड़ रहा है, तो फिर बेलने का मौका नहीं मिल रहा है मुझे, और इतनी गर्मी है ना कि ना मेरा हाथ में भी हीट लग रहा था, ठंड के मौसम में तो पता नहीं चलता, पर बार बार जैसे मैं पलट रही थी ना मेरे हाथ में भी हीट लग रहा था, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था बनाने में, और एक दो तो ऐसे निकल भी गया, लेकिन नीचे गिर रहा नहीं है एक भी, बस अच्छे से बन ही गया है नान मेरा। आप लोग भी ट्राई करना और बताना फिर मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आप लोग को, और आइए आप लोग भी खा लीजिए बटर नान, और बटर पनीर बनाया था मैंने दोपहर को, उसकी रेसिपी मैं अलग से शूट की हूँ, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दोपहर को मैंने बनाया था आज बटर पनीर, तो बटर पनीर और बटर नान नीतम के डिमांड पे बना है आज, सो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फिर सबको खिला उला के फिर मैंने भी खाया है, और किचन का जैसे ना थोड़ा सा आटा वाटा जो गिरता ना मैं हाथों हाथ सफ़ा कर देती हूँ, लेकिन गैस तो गर्म रहता है ना इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो फिर खा पी के आ गई हूँ मैं अब किचन को अच्छे से क्लीन करने, रात को मैं बढ़िया से किचन को क्लीन करके सारे सामान को जचा के रख देती हूँ, नहीं तो सुबह ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप किचन सफाई करोगे ना एक्स्ट्रा काम करोगे, और एक बार तो फिर सुबह मैं कपड़ा मारती ही मारती हूँ, चाहे रात को कितना भी अच्छे से सफाई करके जाऊँ। और आलू मेरी ठंडी हो रही है, और उनके लिए मैं पराठे बनी बना के रख दी हूँ, और यह सामान को फिर मैं अच्छे से ढक ढक के रख दूँगी कि रात का कोई बात जानती हो कुछ भी आ सकता है कॉकरोच वगैरह, और सब बर्तन मैं धोऊँगी, उसके बाद किचन उचन को कर दूँगी क्लीन, और जाके फिर हम लोग सोएंगे। और सो फ्रेंड्स मैंने किचन उचन क्लीन कर दिया है, और यहाँ फिर गुड्डू को देखो बिस्तर सफाई कर रहा है। तो ये है हम लोग का छोटा सा वीडियो आज, आप आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।